सीमा पार जाकर प्यार करने का सिलसिला भी जारी है। आजकल प्यार में दो देशों की सीमा पार करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हाल ही की खबरों ने ये साबित कर दिया है। सीमा जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई और हिंदुस्तान की अंजू जो पाकिस्तान चली गई। अब खबर है कि पाकिस्तान में अंजू को नौकरी मिलने वाली है, वो भी सरकारी। जी हाँ, ये दावा खुद नसरुल्ला ने किया है। इसके अलावा पाक सरकार और भी मेहरबान नजर आ रही है। सबसे पहले आपको बता दें कि अंजू जो अब फातिमा बन गई है, उनके पाकिस्तानी पति नसरुल्ला ने दावा किया है कि अब पाकिस्तान की सरकार अंजू को नौकरी और घर देगी। यही नहीं, नसरुल्ला ने यह भी दावा किया कि वो अंजू भारत जाकर अपने बच्चों को वापस लेकर आएगी। अंजू जो भी कर रही है वो अपनी मर्जी से कर रही है। नसरुल्ला ने बताया कि इस्लाम अपनाने की वजह से अब अंजू को जल्द ही पाकिस्तानी नागरिकता मिल जाएगी। नसरुल्ला के मुताबिक पाकिस्तान सरकार अंजू को सरकारी नौकरी और घर देने वाली है। साथ ही उसने ये भी दावा किया कि कुछ दिनों में अंजू भारत पहुंचेगी और अपने बच्चों को वापस पाकिस्तान लेकर आएगी। अगर वो वापस पाकिस्तान नहीं आई तो वो खुद हिंदुस्तान आकर अंजू को वापस लेने आएगा। बता दें कि नसरुल्ला ने मीडिया से बातचीत में बताया कि पाकिस्तान सरकार अंजू को नौकरी के साथ साथ घर भी देने वाली है। अंजू ने इस्लाम धर्म को अपना लिया है, उसे पाकिस्तान की नागरिकता भी मिल जाएगी। वो जो भी कुछ कर रही है सब उसकी मर्जी है। अंजू अगस्त के महीने में भारत पहुंचने वाली है और अपने बच्चों को साथ लेकर जाएगी। इतना ही नहीं, नसरुल्ला ने बताया कि अंजू अपने बच्चों के लिए पासपोर्ट अप्लाई करेगी, और कोई भी अगर विदेश से पाकिस्तान पहुंचता है और इस्लाम धर्म अपना लेता है तो उसे यहाँ की नागरिकता जल्दी मिल जाएगी। नसरुल्ला ने साफ बताया कि उसने अंजू से शादी की है और उसको वो नहीं छोड़ेगा। नसरुल्ला ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान की सरकार ने बच्चों को भी नागरिकता देने का वादा किया है। हालांकि ये भी बता दें कि अभी तक नसरुल्ला के इन दावों की अंजू ने पुष्टि नहीं की है। तो वहीं अंजू के इस्लाम धर्म अपनाने पर नसरुल्ला ने कहा कि अंजू पर कोई भी किसी भी तरह का दबाव नहीं डाला गया। वो 3 साल से अपने पति से अलग रह रही थी और कोर्ट में तलाक के लिए अपील की हुई थी। नसरुल्ला ने दावा किया कि बच्चों की वजह से ही अंजू भारत वापस जा रही है और वीज़ा खत्म होने से पहले ही पहुँच जाएगी। बता दें कि अंजू और नसरुल्ला की खबरों ने जोर पकड़ा हुआ है और अब देखना है कि अंजू भारत कब तक आएगी और भारत जब वो आ गई तो वापस पाकिस्तान कब तक जाएगी, क्योंकि यहाँ भारत वापस आना और यहाँ से जाना इतना आसान नहीं होगा और मीडिया में क्या खबरें चलती हैं वो देखने वाली बात होगी। जाहिर है कि अंजू जब से पाकिस्तान गई है तब से चारों तरफ अंजू की चर्चा चल रही है कि किस तरह से अंजू और नसरुल्ला ने निकाह कर लिया। हालांकि पहले तो ये बात सामने आई थी कि अंजू ने इस्लाम धर्म नहीं कबूल किया है और निकाह भी नहीं किया है, वो सिर्फ सिक्योरिटी थी। लेकिन बाद में जब एक के बाद एक खुलासे हुए तो पता चला कि उन्होंने शादी भी कर ली है और अंजू ने इस्लाम धर्म भी कबूल कर लिया है और उसका नया नाम फातिमा है। बहरहाल अब देखना है कि आखिर इस मामले में और क्या क्या खुलासे सामने आते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।